बट फिलहाल के लिए टीम तमिलनाडु वर्सेस हाइड्रा, जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी ये कि अभी देखिए ये फाइट होना अनिवार्य है क्योंकि दोनों ही टीम्स को जोन के अंदर जाना है। स्प्रेगो और सोच रहे कि क्या लगाओ, मेडकिट लगाओ, फर्स्ट एड लगाओ, बैंडेज लगाओ, कुछ भी फायदा नहीं होगा, नेड आएगा और वहीं पे उनको किया गया है नॉकआउट। हाइड्रा चाहते हैं कि ओपनिंग नॉक उनको मिले लेकिन वो मिल नहीं रहा है और देखिए टीम तमिलनाडु फायदा उठा के सीधा चढ़ जाने वाले, टूट पड़ने वाले वो हाइड्रा के खिलाड़ियों के ऊपर। रेवेनेंट को भी इसी बीच में एलिमिनेट किया जाएगा लेकिन टीम तमिलनाडु वो रुक नहीं रहे हैं। लेकिन ये पुश उनके अगेंस्ट में नहीं जाता हुआ साबित हो रहा है। टीम तमिलनाडु ने क्लोजर पे बच्चे में 1v2 निकालना है फॉक्स को, नहीं कर पाएंगे वो। हाइड्रा 2v4 करते हुए नजर आई टीम तमिलनाडु को। व्हाट अ टीम, व्हाट अ गेम, व्हाट अ शो। वहाँ पे डोरा ओपी, चलिए वो आगे जाएंगे, रिवाइवल जरूर देते हुए नजर आएंगे। आप देखिए कितना ज्यादा लो ऑन एचपी वहाँ पे वो खिलाड़ी बचे हुए हैं, बट हेल हाइड्रा यहाँ पे पूरी तरीके से हो चुका है। जिस प्रकार से वो 2v4 करके दिखाई टीम तमिलनाडु, थोड़ा ज्यादा ही ऑफ गार्ड चले गए। उन्होंने कहा तो अब तो पुश कर ही देंगे, लेकिन हमने चर्चाएं शुरुआत में की थी TBS, ये डबल बैरल शॉटगन एक मॉन्स्टर वेपन है और आप इसके आगे ऐसे इतना ओपन में आप नहीं जा सकते। अगर हमारे हाइलाइट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर कर लीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन कर लीजिए।